18 अगस्त की चुड़ैल में आपका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं कि बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा का प्यार कि दुनिया वाले लोगों का प्यार, परमात्मा का प्यार कि अपने धन संपत्ति का प्यार, परमात्मा का प्यार कि अपने शरीर के रंग रूप का प्यार, परमात्मा का प्यार कि साथी संबंधियों का प्यार, परमात्मा का प्यार कि दुनियावी उपलब्धियों का प्यार, परमात्मा का प्यार कि आप उसमें और फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं। वो बोलते हैं ना कि देने वाला देते जा रहा है और लेने वाला थक जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है इसके बारे में, तो बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। कितना लेना चाहिए परमात्मा से वो अपनी शक्ति अनुसार है। जितना साफ दिल होगा उतना हम परमात्मा से प्रेम ले पाएंगे, जितना हम बुद्धि चलाएंगे ज़्यादा अपना स्मार्टनेस दिखाएंगे उतना परमात्मा को बुद्धिमानी बच्चे पसंद नहीं है। ज्ञान लेने वाले बुद्धिमानी बच्चे पसंद है, लेकिन चालूपंथी या चलाकपन या ओवर स्मार्टनेस करने वाले बच्चे परमात्मा को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं होते। वैसे जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ करके, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। ना इंसान का स्नेह, ना वस्तु का स्नेह, ना वैभव का स्नेह, ना कुर्सी का स्नेह, कुर्सी मतलब चेयर पर बैठे नहीं, कुर्सी मतलब पोस्ट पोजीशन का स्नेह, उन सारी चीज़ों का चीज़ें को स्नेह आकर्षित करता नहीं है। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो परमात्मा के प्रति, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है, है ना। कपड़ों का स्नेह हो गया, वस्तुओं का स्नेह हो गया, घूमने का स्नेह हो गया, बहुत सारे स्नेह के तो बहुत सारे रूप हैं जिसमें से हम दुनियावी 5 कर्मेंद्र से जो भी चीज़ें दिखती हैं, स्मेल होती हैं, सुनती हैं, उन सबको आकर्षित, वो हमें आकर्षित करती हैं चीज़ें। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा प्यार से भरपूर रहो। वो हमें हर एक को अपने आप से पूछना कि मेरा परमात्मा के लिए कितनी जगह छोड़ी और मैंने दुनियावी वस्तुओं के लिए, दुनियावी वैभवों के लिए, पदार्थों के लिए, उपलब्धियों के लिए मैंने कितनी जगह छोड़ी है। तो सब पूरा दिल तो परमात्मा से भरा होना चाहिए, फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ओम शांति।